दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका मोड़। अभी लास्ट ड्रॉप में द्वारका मोड़ पे गया है। और दोस्तों आप जैसे कि आप जानते हो कि मतलब हम लोगों के पास ओला में आउटस्टेशन बुकिंग आती है, ऊबर में इंटरसिटी आती है, तो हम लोग क्यों उठाते हैं इंटरसिटी बुकिंग या आउटस्टेशन बुकिंग? इसीलिए उठाते हैं कि लंबी ट्रिप होती है और अच्छा खासा फेयर उसमें मिल जाता है। इसी वजह से हम दिल्ली से आउटसाइड जाने की मतलब कर लेते हैं डिसाइड। और जब हम छोड़ते हैं तो जब मतलब इन बुकिंग ट्रिप्स को एंड करते हैं, जब बिल हम देखते हैं दोस्तों, तो बिल हमारे सामने मतलब ऐसा बिल मिलता है देखने को जो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। तो अभी मैं आज की बात बता दूं, आज मेरे पास रोहिणी सेक्टर 9 से बुकिंग मिली थी सोनीपत की। ठीक है, सोनीपत का फेयर जो था, आप ये देख लीजिए साइड में, 39 किलोमीटर में मुझे 531 रुपये दिए ऊबर ने। ठीक है, उसके बाद 531 ये मिले हैं 40 किलोमीटर के। ठीक है, और इसके बाद मेरे को तुरंत मेरे पास ट्रिप आ गई थी दिल्ली की द्वारका मोड़ की, जो ट्रिप मैंने अभी ड्रॉप करी है उसमें आप देख लीजिए साइड में 53 किलोमीटर के उसमें 570 रुपीज मिले हैं। ठीक है, जिसमें 100 रुपीज टोल भी है। आप टोल को अगर हटा दो आप तो कितने बचेंगे? 470 रुपीज। 470 रुपीज में आपने क्या मतलब 55 किलोमीटर में क्या आपको फेयर मिला? तो आप ये देख सकते हैं ऊबर का इंटरसिटी ट्रिप का खेल। ठीक है, मतलब वैसे हम सोचते हैं कि आउटस्टेशन में हमें प्रॉफिट होता है, कि कई बार मैंने खुद 1000-1000 रुपए से ऊपर का मतलब बिल मेरे को दिया है, 900-1000 रुपए सोनीपत के इसने दिए इंटरसिटी के। बट अब इतना मतलब फिर वही चीजें हो चुकी है, मतलब जैसे कि अभी मैं थोड़े दिन पहले आपको बताया कि ओला ने फेयर कम किया था, वैसे अब उबर ने भी धीरे धीरे फेयर देना बंद कर दिया है। एक सेकंड, ये एम्बुलेंस निकल जाए, इसको रास्ता देना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एम्बुलेंस को रास्ता देना है। तो मतलब अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि ओला ने फेयर कम किए, तो अब आप देख ही सकते हो यहाँ पर, आप फॉर एग्जांपल आपके सामने है, मैं खुद अभी प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, सोनीपत से द्वारका की मतलब किलोमीटर का ही आप अंतर देख लो, 39 किलोमीटर में 531 रुपये और 53 किलोमीटर में 570 रुपये, जिसमें 100 रुपये का टोल है एमसीडी, तो ये फेयर मिल रहा है आज की तारीख में दोस्तों। तो ऐसे में बताओ अब कौन ड्राइवर चाहेगा कि इंटरसिटी बुकिंग ले दिल्ली, मतलब ऐसी। तो बुकिंग कैंसिल करने का रीजन यही होता है कि ऊबर फेयर दे नहीं रहा है। अब बताओ अभी जिस पैसेंजर को मैं लेकर आया हूँ 628 रुपये उसने दिए हैं, 628 रुपये मात्र 55 किलोमीटर की ट्रिप में 628 रुपये। तो अब वो मैडम मुझे कहती है कि भैया मुझे कल भी जाना है, तो मैंने उनको साफ बोल दिया जी मैं नहीं जा पाऊंगा इतने कम फेयर में, जितना फेयर आपको मिला है ना वो बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा बुक कर लेना चाहे तो गाड़ी। 628 रुपये में मैं 55 किलोमीटर करूंगा, 2.25 घंटे में ट्रिप ड्रॉप करूंगा, तो उसमें मेरा क्या बचेगा? प्लस एसी चलेगा गाड़ी में, सीएनजी तो आपकी ये लगा लो जितना फेयर बन रहा है उससे ज्यादा की, तो 550 की तो सीएनजी फिल होती है, वो पूरी की पूरी सीएनजी सोनीपत के उसमें ही चली जाएगी, तो मुझे क्या बचेगा? जीरो अंडा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, अभी मतलब फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। पहले ओला ने देना फेयर कम किया, तो अब उसी की राह पे चल पड़े हमारे ऊबर जो है कंपटीशन में, ऊबर कंपनी, तो वो अब अपनी मनमानी करने पे उतार हुआ है और ड्राइवर भाइयों का शोषण हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो। और आप आपको पता ही होगा कल सीएनजी के प्राइस भी बढ़ गए हैं, 2 रुपए बढ़ गए हैं, 73 पॉइंट कुछ पैसे हो गया, मतलब 74 दिल्ली का रेट है। तो दिल्ली का तो ये रेट है, यूपी में जाओगे आप तो यूपी में 2-3 रुपए और ऊपर ही मिलेगी। दिल्ली में अगर 74 हो चुकी है तो 78 यूपी में होगी, और हरियाणा की तो आप 10 रुपए सीधा फ्लैट इंक्रीज मान लो। तो हरियाणा में वैसे ही 78 चल रही थी, वो अब मतलब 82 चल रही थी हरियाणा में, और अब तो 85 या 86 हुई होगी फ्लैट रेट।
तो ये हाल है दोस्तों, मतलब हम लोगों का काम, मतलब ये लगा लो कि काम भी बिजनेस भी घट रहा है, ठीक है। सारा जितनी कमाई थी हो रही है वो पूरी सेविंग्स सीएनजी के उसमें ही जा रही है, मतलब कुछ हाथ में नहीं आ पा रहा है। अब आप देख ही सकते हो सोनीपत से मैं क्या लेकर आया हूँ, 55 किलोमीटर, सिर्फ 470 रुपये। अब 470 में मैं इधर ही दो राइड कर लेता तो उतने तो मैं वैसे ही कमा लेता, और इतने किलोमीटर भी नहीं चलती गाड़ी, 40 किलोमीटर चलती मोस्टली, और यहाँ 55 किलोमीटर में इतना फेयर है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट देना था, मैं आप घर के पास में पहुँच चुका हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, टिल देन बाय।